हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम। एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 25 और 26 नवंबर 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, स्कॉटिश बैडमिंटन ओपन 2019 में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीत लिया है। तो स्कॉटिश बैडमिंटन ओपन 2019 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो लक्ष्य सेन है ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला से बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्होंने इस साल टोटल 4 प्रतियोगिताएं जीत ली हैं। कौन कौन सी? बेल्जियन इंटरनेशनल ओपन 2019, सारलोर लक्स ओपन 2019, डच ओपन 2019, स्कॉटिश ओपन 2019। इन 4 प्रतियोगिताओं को जीत लिया गया है भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन के द्वारा, जो कि उत्तराखंड राज्य से हैं। जो स्कॉटिश ओपन है ये स्कॉटलैंड देश की एक बैडमिंटन प्रतियोगिता है। जो स्कॉटलैंड देश है ये यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत टोटल 4 देश आते हैं। कौन कौन से? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग, इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, वेल्स की राजधानी कार्डिफ और नॉर्दर्न आयरलैंड की राजधानी है बेलफास्ट। जो आयरलैंड देश है वो अलग देश है जिसकी राजधानी है डबलिन। यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके की भी राजधानी है लंदन। और इस साल का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था खेला गया इंग्लैंड और वेल्स दो देशों में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश चंद्र जोशी का निधन हो गया है। तो कैलाश चंद्र जोशी जो कि मध्य प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं कैलाश चंद्र जोशी जो कि मध्य प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका निधन हो गया है। अब आपको 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम याद रखना किसी भी राज्य के जिनका इस साल निधन हुआ। जैसे बाबूलाल गौर जो कि मध्य प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका भी निधन हो गया है। दिलीप पारिक गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, जगन्नाथ मिश्र बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, आर वी जानकी रमन पुडुचेरी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व विदेश मंत्री तथा दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज जी का भी निधन हो गया है। और दिल्ली की 3 बार रह चुकी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी का भी निधन हो गया। तो ये हैं 6 नेता जिनका इस साल निधन हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डेविस कप 2019 को किसने जीत लिया है। तो डेविस कप जो कि एक टेनिस की प्रतियोगिता है इसको इस साल जीत लिया है राफेल नडाल ने। जो राफेल नडाल हैं ये स्पेन देश के टेनिस खिलाड़ी हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डेविस कप को किस देश ने जीत लिया। तो उत्तर होगा स्पेन देश ने जीत लिया। डेविस कप में 2019 में राफेल नडाल ने फाइनल में हराया डेनिस शापोवालोव को जो कि कनाडा देश के हैं। आपको 4 प्रतियोगिताओं के नाम याद रखना है जिनका संबंध टेनिस खेल से है। कौन कौन सी? फेड कप, डेविस कप, हाफमैन कप, लेवर कप। इन 4 जो प्रतियोगिताएं हैं टेनिस खेल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 2018 के लिए बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो वर्ष 2018 के लिए बिहारी पुरस्कार दिया गया है मनीषा कुलश्रेष्ठ को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं मनीषा कुलश्रेष्ठ, इन्हीं को दिया गया है बिहारी पुरस्कार 2018। किसके द्वारा? तो ये दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ये जो बिहारी पुरस्कार है महाकवि बिहारी के नाम पर दिया जाता है और ये सिर्फ और सिर्फ किसी राजस्थान के लेखक को ही दिया जाता है। जो के बिरला फाउंडेशन है इसके द्वारा टोटल 6 पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन कौन से? सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, वाचस्पत पुरस्कार, शंकर पुरस्कार, घनश्याम दास बिरला पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार। ये जो 6 सम्मान हैं ये दिए जाते हैं के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, जिसमें से एक है बिहारी पुरस्कार जो कि सिर्फ राजस्थान के लेखक को दिया जाता है। और जो घनश्याम दास बिरला पुरस्कार ये वैज्ञानिक अनुसंधान यानी कि साइंटिफिक इनोवेशन या रिसर्च के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। तो वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुना गया है एलियुड कैप्चोगे और दलीलाह मोहम्मद को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। जो एलियुड कैप्चोगे हैं ये केन्या देश से हैं और दलीलाह मोहम्मद अमेरिका देश से हैं।
एलियुड किपचोगे जो हैं ये दुनिया के पहले एथलीट बने हैं, दुनिया के पहले धावक बने हैं जिन्होंने 2 घंटे में मैराथन को पूरा किया है। इन्हीं 2 लोगों को दिया गया इस साल का एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार। किसके द्वारा ये दिया गया है? एथलीट के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गवर्निंग बॉडी है जिसका नाम है IAAF के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, और इसका हाल ही में नाम बदल दिया गया है, तो IAAF का नाम बदल कर रख दिया गया है वर्ल्ड एथलेटिक्स। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है IAAF का नाम बदल कर नया नाम रखा गया है वर्ल्ड एथलेटिक्स, जिसका मुख्यालय है मोनाको देश में और इसके वर्तमान में हेड हैं सेबेस्टियन क्वाय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य सरकार ने राज्य लोक कला परिषद की स्थापना का निर्णय लिया है? तो जो राज्य लोक कला परिषद है इसका निर्माण किया जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा, जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, कल्चर है, उसको संवारने के लिए, उसका संरक्षण के लिए इसका निर्माण किया जाएगा। जो छत्तीसगढ़ राज्य है इसकी वर्तमान में राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य से आपको 4 नेशनल पार्क के नाम याद रखने हैं, कौन कौन से? इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगर घाटी नेशनल पार्क, बेरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुरु घासीदास संजय नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक को जारी किया है? जो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक है ये एक एनुअल रिपोर्ट है, ये जारी किया जाता है हर साल अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है इसका मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और पेरिस में ही है FATF का मुख्यालय, और पेरिस में खेले जाएंगे 2024 के ओलंपिक खेल, उससे पहले 2020 में खेले जाएंगे जापान की राजधानी टोक्यो में, और उससे पहले 2016 में खेले गए थे ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में। अब आपको 3 संस्थाओं के नाम याद रखना जो कि मिलती जुलती हैं, जैसे IAEA जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में। दूसरी संस्था है IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जिसका हिंदी में नाम है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन, इसका मुख्यालय है ऑस्ट्रिया देश की राजधानी वियना में। तीसरी संस्था है IRENA इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी, इसका मुख्यालय UAE देश की राजधानी अबू धाबी में। तो इन 3 संस्थाओं का आपको हेडक्वार्टर याद रखना है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी पेरिस फ्रांस, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी UAE की राजधानी अबू धाबी, और ये 3 एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा समाप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है इसको समाप्त करने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 25 नवंबर को। इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स वायलेंस रिडक्शन डे, और ये मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस जिसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, और इसके वर्तमान में हेड हैं एंटोनियो गुटेरिस जो कि पुर्तगाल देश से हैं। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। यूनाइटेड नेशंस के वर्तमान में 193 मेंबर देश हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। जो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की समाप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 2019 में 25 नवंबर को, इसका इस साल का थीम था ऑरेंज द वर्ल्ड जनरेशन इक्वलिटी स्टैंड्स अगेंस्ट रेप, तो ये थीम भी आपको याद रखना है। और एक आपको रिपोर्ट याद रखना है NCRB रिपोर्ट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट्स के अनुसार 2017 में सबसे ज़्यादा महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हुई है वो हुई है उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए 5% आरक्षण की घोषणा की है? तो ये ऐसा कहा गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कि जो खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं, अब इनको 5% का रिजर्वेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट जॉब्स में।
जो मध्य प्रदेश राज्य है यहाँ का जो दिया जाने वाला खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है इसका नाम है विक्रम अवार्ड, और मध्य प्रदेश का जो सिनेमा जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है इसका नाम है राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान। क्लासिकल डांस और म्यूजिक तथा थिएटर के क्षेत्र में जो दिया जाने वाला मध्य प्रदेश राज्य का सर्वोच्च सम्मान है इसका नाम है कालिदास सम्मान। और यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि विक्रम अवार्ड, राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान या कालिदास सम्मान किस राज्य द्वारा दिए जाते हैं, तो उत्तर होगा मध्य प्रदेश राज्य द्वारा। जो भारत का खेल जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है इसका नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और ये इस साल दिया गया दो लोगों को, दीपा मलिक को जो कि पैरा एथलीट्स हैं, बजरंग पुनिया जो कि एक पहलवान, इन दो लोगों को दिया गया इस साल भारत का खेल जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किस कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर बनाने का वादा किया है या दावा किया है, तो दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर बनाने का दावा किया गया है नवीडिया कंपनी के द्वारा। नवीडिया कंपनी जो कि अमेरिका की एक कंप्यूटर कंपनी है। अब आपको यहाँ से एक रिपोर्ट याद रखना है, जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल है इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी दुनिया के 100 बेस्ट परफॉर्मिंग सीईओ की रिपोर्ट। तो दुनिया के जो टॉप बेस्ट परफॉर्मिंग सीईओ थे उनमें से पहले नंबर पे जो रखा गया ये रखा गया नवीडिया कंपनी के सीईओ जेनसन हुआंग को। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू द्वारा एक लिस्ट जारी की गई है दुनिया के 100 बेस्ट परफॉर्मिंग सीईओ की, इसमें नंबर वन पर हैं नवीडिया कंपनी के सीईओ जेनसन हुआंग, और इस लिस्ट में तीन भारतीयों का नाम आया है, तीन भारतीय मूल के सीईओ का नाम आया है। कौन कौन से हैं? शांतनु नारायण जो कि अडॉप सिस्टम के सीईओ हैं, अजय सिंह बंगा जो कि मास्टर कार्ड के सीईओ हैं, सत्या नडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ हैं, और एक और लिस्ट जारी की गई है सीईओ की जो कि जारी की गई है बिजनेस पत्रिका फॉर्च्यून के द्वारा, जिसका नाम रखा गया है बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019। इसमें दुनिया के 20 सीईओ को शामिल किया गया है और इस रिपोर्ट को टॉप किया है भारतीय मूल के सीईओ सत्या नडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ हैं, और इसमें 8वें नंबर पर हैं मास्टर कार्ड के सीईओ अजय बंगा, और 18वें नंबर पर हैं अरिस्ट्रा कंपनी की सीईओ जयश्री उल्लाल। तो तीन व्यक्तियों के नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बांग्लादेश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय नृत्य समारोह ओशियन डांस फेस्टिवल किस शहर में शुरू हुआ है, तो ये शुरू किया गया था कॉक्स बाजार जो कि बांग्लादेश का एक शहर है। इसका थीम था ब्रिजिंग द डिस्टेंस यानी कि जो दूरियां हैं इनको कम करना। तो आपको याद रखना है ओशियन डांस फेस्टिवल जो कि बांग्लादेश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय नृत्य समारोह है इसका आयोजन किया गया इस साल बांग्लादेश के कॉक्स बाजार शहर में। जो कॉक्स बाजार शहर है यहीं पर इस साल की जो 9वीं भारत और बांग्लादेश के बीच जो फ्रेंडशिप डायलॉग थी इसका भी आयोजन किया गया। भारत और बांग्लादेश के बीच जो पहली स्टेक होल्डर्स मीटिंग आयोजित की गई ये की गई असम के गुवाहाटी शहर में। बांग्लादेश ने भारत देश में अपना नया उच्चायुक्त हाई कमिश्नर नियुक्त किया है मोहम्मद इमरान को। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े नौसेना अभ्यास जिसका नाम है कोऑपरेशन अपलोड रेडिनेस एंड ट्रेनिंग 2019 इसका आयोजन किया गया बांग्लादेश के चट्टोग्राम शहर में अमेरिका और बांग्लादेश के बीच। एक बांग्लादेश के क्रिकेट स्टार हैं जिनका नाम साकिब अल हसन, इनको अब आईसीसी के द्वारा अगले 2 साल के लिए बैन कर दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय मैचों से। भारत ने अपना पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला है ईडन गार्डन कोलकाता स्टेडियम में बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस देश में डायरिया के लिए संभावित टीके ईटी वैक्स का विकास किया गया है, तो डायरिया के लिए जो टीका बनाया गया है जिसका नाम है ईटी वैक्स ये बनाया गया है स्वीडन देश के वैज्ञानिकों के द्वारा। स्वीडन में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय, यहीं के वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है ईटी वैक्स जो कि डायरिया का एक टीका होगा।
डायरिया जो कि बच्चों में होती है, होने वाली एक बीमारी है। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है जिसका नाम है टेरोटैक्सीजेनिक इकोलाई, इसी के कारण होता है डायरिया। जो स्वीडन देश है ये यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी है स्टॉकहोलम, मुद्रा है क्रोना। स्वीडन की एक लड़की है जिसका नाम है ग्रेटा थनबर्ग जो कि एक इन्वायरमेंटल एक्टिविटिस्ट है, इसको इस साल दिया गया अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोलम में ही एक है संस्था जिसका नाम है सिप्री स्टॉकहोलम अंतर्राष्ट्रीय शांति संस्थान। इसका नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो सिप्री है ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोलम में। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि श्रीलंका के देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो आपको यहाँ से दो क्वेश्चन बताना होगा कि श्रीलंका देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं और हाल ही में यहाँ के नए राष्ट्रपति भी बने हैं, तो आपको इन दोनों का नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करना होगा। ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का कंप्लीट वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगर आपके पास कोई भी व्हाट्सअप या फेसबुक ग्रुप है उसमें भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल एग्ज़ाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका कोई भी करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो मिस ना हो। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।